हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बी एस रवियोज। तो फाइनली शैतान का तूफान इतनी जल्दी नहीं रुकेगा। यस का यानी के शैतान मूवी का आज डे 15 है बॉक्स ऑफिस पर, यानी के थर्ड वीकेंड स्टार्ट हो चुका है और उसके बावजूद भी बायस अब इस मूवी का जो कलेक्शन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। यस का यानी के शैतान मूवी के डे 15 की फाइनल एडवांस बुकिंग की जो रिपोर्ट है वो निकल कर आ चुकी है। उसके साथ साथ डे 14 के यानी कि कल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जो अर्ली एस्टिमेट है वो भी निकल कर आ चुके। तो दोस्तों कितनी एडवांस बुकिंग हुई है और इस मूवी ने कल डे 14 के ऊपर कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है फुल डिटेल में बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे अपडेटेड वीडियोस को देख सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शैतान मूवी इस टाइम बॉक्स ऑफिस पर नॉन स्टॉप कलेक्शन कर रही है, और वहीं अगर बात करें कल डे 14 की तो भाई साहब कल भी इस मूवी के जो शोज हुए हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हुए। यानी कि मैंने आप सभी को बोला था कि इस मूवी के कलेक्शन में कोई बड़ी ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगी। और अगर बात करें इस मूवी के शोज की तो मुंबई से इस मूवी के जो शोज की ऑक्यूपेंसी आई थी वो लगभग 11.5% आई थी, दिल्ली एनसीआर से 12% आई थी, पुणे से 14.5% आई थी, बेंगलुरु से 11% आई थी, हैदराबाद से 12%, कोलकाता से 12%, अहमदाबाद से 8%, चेन्नई से 26%, सूरत से 8%, जयपुर से 13%, चंडीगढ़ से 14% और भोपाल से 22.7% और लखनऊ से 13%। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कल भी इस मूवी के जो शोज की ऑक्यूपेंसी है वो काफी अच्छी आई, और ओवरऑल पूरी इंडिया से जो मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी आई थी वो 8% थी, आफ्टरनून शोज की ऑक्यूपेंसी आई थी 11.5%, इवनिंग शोज की ऑक्यूपेंसी भी 11.5% थी, और नाइट शोज की ऑक्यूपेंसी थी 14.5%। यानी कि डे 13 की जो ऑक्यूपेंसी आई थी उससे थोड़ी सी कम इस मूवी के डे 14 की ऑक्यूपेंसी आई है। यानी कि यहाँ पर हम एक बात कह सकते हैं कि इस मूवी के कलेक्शन में कोई बड़ी ड्रॉप देखने को नहीं मिली, सिर्फ 20 या 25 लाख की इस मूवी के कलेक्शन में हमें ड्रॉप देखने को मिलेगी। और मेरा जो प्रेडिक्शन था वो लगभग 2.5 करोड़ था, और यहाँ पर इस मूवी के जो अर्ली एस्टिमेट निकल कर आ रहे हैं डे 14 के वो भाई साहब 2.5 करोड़ के। यानी कि इस मूवी ने डे 14 के ऊपर 2.5 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, और थोड़ी देर जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की ऑफिशियल रिपोर्ट्स है वो भी निकल कर आ जाएंगे। और वहीं अगर बात करें इस मूवी की आज डे 15 की तो भाई साहब आज डे 15 पर भी इस मूवी ने जो एडवांस बुकिंग की है वो काफी अच्छी है। उससे पहले मैं आप सभी को शोज बता देता हूं, क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस मूवी के पास अब शोज नहीं रहे क्योंकि थर्ड वीकेंड स्टार्ट हो चुका है। तो भाई साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आज भी इस मूवी के पास काफी अच्छे शोज हैं। मुंबई में इस मूवी के पास 625 शोज हैं, दिल्ली एनसीआर में इस मूवी के पास 768 शोज हैं, पुणे में इस मूवी के पास 238 शोज हैं, बेंगलुरु में इस मूवी के पास 209 शोज हैं, कोलकाता में इस मूवी के पास 186 शोज हैं, अहमदाबाद में 307 शोज हैं, चेन्नई में 28 शोज हैं, सूरत में इस मूवी के पास 158 शोज हैं, जयपुर में 108 शोज हैं, चंडीगढ़ में इस मूवी के पास 71 शोज हैं, भोपाल में 58 शोज हैं, लखनऊ में 151 शोज हैं। यस के यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी मेन रीजन में इस मूवी के पास काफ़ी अच्छे और तगड़े शोज हैं, और टोटल पूरे इंडिया में इस मूवी के पास 22,800 से ज़्यादा शोज हैं। यस के यानी कि अभी भी ये मूवी 8,000 से ज़्यादा शोज पर 22,000 बॉक्स ऑफिस पर चल रही है, जिसके बावजूद इस मूवी का जो कलेक्शन है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। और वहीं आप सभी को पता है कि आज फ्राइडे है, आज कोई बड़ी मूवी रिलीज नहीं हो रही, तो पब्लिक के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो योद्धा मूवी है या तो फिर शैतान मूवी। और शैतान मूवी को आप सभी को पता है कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, तो आज इस मूवी के कलेक्शन में हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यस के यानी कि यहां पर जो आज इस मूवी की एडवांस बुकिंग आई है वो लगभग 47% है, यानी कि 47 लाख की इस मूवी की आज पूरे इंडिया से एडवांस बुकिंग हुई है डे 15 की। और आज इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक 3 करोड़ तक जा सकता है। यस के यानी कि आज वीकेंड है तो भाई साहब ये मूवी 3 करोड़ तक जा सकती है, यानी कि इस मूवी के कलेक्शन में ड्रॉप होगी बल्कि थोड़ा बहुत हमें जंप देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको कह लेते हैं कि क्या ये मूवी आज थर्ड फ्राइडे के ऊपर 3 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर पाएगी, और जो लोग कह रहे हैं कि ये मूवी 200 करोड़ का हिंदी नेट कलेक्शन कर पाएगी, तो भाई साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वर्ल्ड वाइड ये मूवी 170 करोड़ प्लस कर चुकी है, तो ये मूवी वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ पॉसिबल है। इसके लिए 200 करोड़ पॉसिबल है कि ये मूवी वर्ल्ड वाइड में नंबर हासिल कर सके। तो दोस्तों यहां पर इस मूवी का जो हिंदी नेट कलेक्शन है वो मुझे लगता है कि 140 या 150 करोड़ तक जाकर एंड हो जाएगा। तो दोस्तों आपको कह लेते हैं कि क्या ये मूवी इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर पाएगी या नहीं, मैं कमेंट जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप वीडियो को देख सकें।